हेलो फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ़ोनपे के बारे में। अगर आप नए यूज़र्स बनना चाहते हो फ़ोनपे के और रजिस्टर करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल स्टेप है और ज़्यादा कुछ आपको करना भी नहीं पड़ेगा। तो आप डाउनलोड करना चाहते हो एप्लीकेशन, तो रेफर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और सिंपल से इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ़ोनपे इंस्टॉल करोगे तो उसमें आप रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच बिल पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हो बैंक में, और आईआरसीटी में आप काम ले सकते हो फ़ोनपे के ज़रिए। तो यहाँ पे आप सिंपल सा स्टेप है, और चलो फिर बिना बच्चों दी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई तो, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए, और साइड में नोटिफिकेशन बेल दबा देना और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आने लगी। तो सिंपल सा स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो प्ले स्टोर ओपन करना है और आपको यहाँ पे सिंपल सा सर्च करना है फ़ोनपे। फ़ोनपे सर्च करने के बाद आपके सामने पहली एप्लीकेशन आएगी, मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हो आप, और 5.5 की रेटिंग भी। तो मैं इसे सिंपल सा ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले से अगर रजिस्टर हो तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पिन डाल के लॉग इन कर सकते हो, अगर नहीं हो तो रजिस्टर पे नीचे डाउन पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा 10 डिजिट मोबाइल नंबर, नाम और पिन डाल के और एग्री टर्म कंडीशन करके कंटिन्यू कर देना है। बस आपको इतना ही करना है और आपकी आईडी बन जाएगी। तो फिर आपको क्या करना है, साइन इन पे जाना है सिंपल सा, और आपका मोबाइल नंबर और पिन मैं ये डाल देता हूँ, मैंने हाइड कर दी किसी वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं सिंपल सा लॉग इन हो चुका हूँ। यहाँ पर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे आपको सिंपल सा रिचार्ज एंड पे बिल लिस्ट आ रही है, यहाँ पे आप इतना सब कर सकते हो इसके ज़रिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज, डीटीएच, यहाँ पे इंश्योरेंस, गूगल पे, वाटर, जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट है, आप देखोगे यहाँ पे सारा फिर स्टोर, आप सिंपल सा स्टोर में बता दूँ, ये तो आपकी नोटिफिकेशन में जो भी रहेगा स्टोर वो स्टोर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये तो उसमें बताने की ज़्यादा नहीं है, तो मैं नॉन साइन कर देता हूँ, ये मेरा हो गया, जीपे ऑन होता है इसमें। और ऐप्स में आप देख सकते हो, इसमें ऐप्स में इतने में आप काम में ले सकते हो इसको सिंपल सा। और माय मनी में आपको मैं बता दूँ, ये फ़ोनपे में आपको बैलेंस रखने के लिए आपको वेरीफिकेशन करना ज़रूर अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फ़ोनपे पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोवाइड बेसिक डिटेल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप देना चाहते हो, जैसे पैन कार्ड तो नॉर्मली होता होगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी। तो पैन कार्ड पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे पैन नंबर दे देना और पैन होल्डर नेम, बस इतना ही कर देना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना और आपकी KYC हो जाएगी। और हिस्ट्री में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वो ट्रांजेक्शन जो भी करोगे आप वो ट्रांजेक्शन आपको दिखाई देंगे, और इसमें बहुत अच्छा अर्न भी कर सकते हो पैसे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो बस इतना ही इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये आप रजिस्टर करना जान दी गए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ पूछना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दबा दीजिए साइड में नोटिफिकेशन बेल, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।